हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मध्यम स्वर के बारे में जाना था, आज हम पंचम स्वर के बारे में जानेंगे, पंचम स्वर के स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पा स्वर का पूरा नाम क्या होता है। पा स्वर का पूरा नाम होता है पंचम। पंचम को ही पा स्वर कहते हैं। संगीत में आसानी के लिए हम इसे पा स्वर के नाम से संबोधित करते हैं। अब हम जानते हैं पा स्वर के नामकरण का कारण क्या था। पा स्वर अर्थात पंचम, तो पंचम स्वर का नाम पंचम किस लिए पड़ा, किस कारण से पड़ा, इसको हम समझते हैं। तो पंचम अर्थात पांचवा, ठीक है, पंचम अर्थात पांचवा, जैसा कि नाम से मालूम चलता है पंचम यानी पांचवा। सप्तक का पांचवा स्वर होने के कारण इस स्वर का नाम पंचम पड़ा हुआ है। तो समझा आपने कि सप्तक का पांचवा स्वर होने के कारण इसका जो नाम है वो पंचम पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जो पंचम स्वर है, पंचम स्वर जो है इसको जो हम आसानी के लिए पा से बुलाते हैं, पा नाम से पुकारते हैं, तो इसका जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है, इसका वर्णन हमें मिलता है नारद पारिव्राजक, पारिव्राजक, नारद पारिव्राजक उपनिषद में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि हम पंचम को पा स्वर के नाम से संबोधित करते हैं। इस बात का हमें उसमें वर्णन मिलता है नारद पारिव्राजक उपनिषद में। पंचम स्वर की आंदोलन संख्या की अगर बात करें तो पंचम स्वर की जो आंदोलन संख्या होती है वो मंद सप्तक में, यानी कि मंद्र पंचम की आंदोलन संख्या जो होती है वो होती है 180। मध्य पंचम की जो आंदोलन संख्या होती है वो होती है 360। और तार पंचम की जो आंदोलन संख्या होती है वो होती है 720। तो ये रही आंदोलन संख्या पंचम की, कि मंद्र सप्तक में जो है पंचम की आंदोलन संख्या 180 होती है, मध्य पंचम की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक में 360 होती है, और तार सप्तक में पंचम की आंदोलन संख्या 720 होती है। पंचम स्वर का रस, पंचम स्वर का रस जो होता है वो होता है श्रृंगार रस। पंचम स्वर का रस श्रृंगार रस होता है। और छंद जो होता है, पंचम स्वर का छंद जो होता है वो होता है पंक्ति छंद, और रस होता है श्रृंगार। पंचम स्वर के अधिष्ठाता देवता की अगर बात करें, अधिष्ठाता देवता, पंचम स्वर के अधिष्ठाता देवता जो होते हैं वो होते हैं विष्णु जी। विष्णु भगवान जो हैं वो पंचम स्वर के अधिष्ठाता देवता होते हैं। पंचम स्वर की अगर स्वर संवाद की बात करें कि पंचम स्वर में कौन सा स्वर संवाद होता है, तो पंचम स्वर में सड़ज और पंचम का भाव होता है, यानी सड़ज पंचम संवाद होता है, अर्थात अति ईष्ट संवाद होता है, अति ईष्ट संवाद, ठीक। पंचम स्वर की उत्पत्ति, पंचम स्वर की उत्पत्ति कोयल से हुई है।
पंचम स्वर की उत्पत्ति कोयल से हुई है ऐसा माना जाता है। और पंचम स्वर का जो वर्ण है, पंचम स्वर का वर्ण होता है ब्राह्मण वर्ण। पंचम स्वर ब्राह्मण वर्ण का होता है। और अगर इसके रंग की बात करें कि पंचम स्वर का रंग क्या होता है, तो पंचम स्वर का जो रंग है वो होता है काला, यानी ब्लैक। तो पंचम स्वर का रंग काला होता है और उत्पत्ति इसकी कोयल से हुई है और ये ब्राह्मण वर्ण का स्वर होता है। पंचम स्वर के अगर रूप की बात करें कि ये इसके कितने रूप होते हैं, तो इसका कोई भी रूप नहीं होता है, इसका कोई भी रूप नहीं होता है, क्योंकि यह एक अचल स्वर होता है। अपने स्थान से ये ऊपर और नीचे नहीं होता, इसलिए इसे अचल स्वर कहते हैं और इसलिए इसका कोई भी रूप नहीं होता है। पंचम स्वर की श्रुतियाँ कितनी होती हैं, तो पंचम स्वर की चार श्रुतियाँ ही होती हैं। चार श्रुतियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो पंचम स्वर की जो चार श्रुति होती है वो होती है क्षिति, रक्ता संदीपनी और अलापिनी। तो ये जो चार श्रुतियाँ होती हैं ये पंचम स्वर की श्रुतियाँ होती हैं। कौन कौन सी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी और अलापिनी, ये चार श्रुतियाँ पंचम स्वर की होती हैं। प्राचीन काल में जो पंचम था वो अपनी सत्रहवीं श्रुति पर स्थित था। सत्रहवीं श्रुति कौन सी है, सत्रहवीं श्रुति है आलापिनी। तो प्राचीन काल में जो पंचम था वो अपनी सत्रहवीं श्रुति आलापिनी पर स्थित था। और आधुनिक काल में पंचम अपनी चौदहवीं श्रुति पर स्थित है। चौदहवीं श्रुति कौन सी है, तो चौदहवीं श्रुति है क्षिति। तो आपने समझा कि प्राचीन काल में जो पंचम था वो सत्रहवीं श्रुति अपनी अलापनी पर स्थित था, और आधुनिक काल में चौदहवीं श्रुति क्षिति पर स्थित है। क्रमानुसार पंचम जो है वो सप्तक का पांचवा स्वर होता है, ठीक है। क्रमानुसार पंचम जो है सप्तक का पांचवा स्वर होता है, जैसे कि सा रे गा मा पा। तो आपने देखा कि पांच नंबर पे जो है पंचम आ रहा है, तो क्रमानुसार पंचम सप्तक का पांचवा स्वर होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पंचम स्वर के बारे में छोटी सी जानकारी। आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, और इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पर मैं समय समय पर क्विजेस कराती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे स्वर के जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।